हेलो गाइस, वेलकम बैक इनटू आजत यूट्यूब चैनल खम्मा गड़ी। सत श्री अकाल, सभी का स्वागत है फिर से एक हमारे फ्रेश वीडियो में। और आज हम आपको लेकर आए हैं रियल मी कमिश्नर शॉप पर, और आपको दिखाने वाले हैं कंपैरिजन वीडियो। ये है रियल मी का 8 प्रो। आप देख लो जैसे कि यार ये क्वालिटी वाइज और इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इनका आपको खासे देखने को मिलती है, क्या प्राइसिंग मिल जाएगा आपको, उस पर बात करेंगे आपसे हम इस वीडियो में। इसके अलावा हमारे पास एक और मॉडल है रेडमी का, जो है रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स। इसकी क्या प्राइसिंग मिल जाएगा, इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, सब बात करेंगे। और हमारे साथ एम आई के प्रिफर्ड पार्टनर है, क्या नाम है, फिरोज। तो फिरोज जी से हमारी बात हो रही है, फिरोज जी हमें एक एक डिटेल से बताने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या प्राइस है, क्या क्या आपको खासे देखने को मिलती है, बेस्ट स्पेसिफिकेशन है। तो भैया मुझे बताओ, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में खासियत आई है, क्या आपको बेस्ट देखने को मिलती है, बात करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले कैमरा की, तो आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो अभी तक इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट कैमरा है। इससे हाईएस्ट कैमरा अभी तक नहीं आया इंडस्ट्री में। और बिल्कुल नई कंडीशन में डिब्बा पैक हम इसको ओपन करने वाले हैं, इसकी सील ब्रेक करके। और इसके हम जैसे इसको ओपन करते हैं बॉक्स को, तो यहाँ पे डिज़ाइन बाय रेडमी देख रहे हो आप। इसके बाद फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा यूनिट इसकी, और इसको अभी हम बूट कर लेंगे, फिर इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन बताएंगे। तो भैया मुझे बताओ कि इसकी जो डिस्प्ले है वो कौन सी डिस्प्ले यूज़ हुई है? सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। ओके, गोरिल्ला ग्लास बैक में 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, और फ्रंट में भी सेम है, फ्रंट में एंड बैक में दोनों साइड आपको गोरिल्ला कोर 5 का देखा मिलता है। और आपका कैमरा सेटअप देखो, उनको इससे ही प्यार हो जाएगा क्या, मतलब कैमरा सेटअप कितना अच्छा कैमरा सेटअप तैयार किया गया है इसका। और ये अभी आप देख रहे हो क्वालिटी, उसको हम एक बार MIUI 10 में मिलता है आपको ये देने को, तो उसको भी हम बूट कर लेते हैं इंग्लिश करके, दे दीजिए फटाफट से। तो ये पूरा सेटअप हो गया है फोन हमारा। तो ये फोन के आपको पूरी स्पेसिफिकेशन बताने वाले हैं कि क्या खासियत आने वाली है इस फोन में, और कैसा कैमरा है इसका। तो कैमरे को भी हम इसको एक बार इसकी हम टेस्ट करेंगे। इसके अलावा भैया इसका 108 का मेगा पिक्सल कैमरा है बैक साइड में, फ्रंट साइड 32 मेगापिक्सल कैमरा है इसका। इसके अलावा मुझे आप बताओ कि क्या क्या मतलब इस पे स्पेसिफिकेशन और देने को मिलेगी। मेगापिक्सल फ्रंट में देखने को मिलेगा। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करते हैं तो हम आपको मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ, बैक एंड फ्रंट दोनों में ही। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो यहाँ आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट 732G का प्रोसेसर। 732G का प्रोसेसर होता है, सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर माना जाता है, और सबसे लेटेस्ट वर्जन है रेडमी का, इसमें देने को मिलता है आपको। इसके अलावा मुझे बता दो भैया कि अभी गेमिंग के आपसे कैसा रहेगा ये फोन? सर जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोसेसर 732G है। हाँ, जी मींस गेमिंग, ये एलाइड गेमिंग प्रोसेसर है। ओके, आप इसमें गेमिंग कर पाएंगे विदाउट लैगिंग और विदाउट हैंगिंग। और इसकी रिफ्रेश रेट है वो 120Hz से ज्यादा देने को मिलती है, देखने को मिलेगा आपको, और 240Hz का टच रिस्पॉन्स रेट है। ओके, तो 32 मेगापिक्सल कैमरा है और ये है। इसके अलावा मुझे आप बताओ कि क्या प्राइस में आ रहा है इंडिया में ये? सर इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। अच्छा, 664, 6128 और 8128। 8128 सबसे हाईएस्ट है, तो इसका प्राइस है 22,000 ठीक है, मतलब सही है, मतलब इतने फंक्शन देने को मिल रहे हैं तो मतलब ज्यादा प्राइस हाइक नहीं कर सकते इसको। लेकिन ये आने वाले टाइम में इसमें कुछ और भी ऑफर आ सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मुझे बताओ भैया कि ये अपने रियलमी 8 है, इसका इससे बहुत ज्यादा लोग कंपेयर कर रहे हैं कि रियलमी का जो 8 आया है, 8 प्रो आया है, इसका रियलमी 10 प्रो मैक्स से कंपैरिजन करते हैं। तो मुझे बताओ कि इसको नहीं लेके इसको क्यों खरीदें, और इसको खरीद रहे हैं तो इसको क्यों नहीं खरीदें, दोनों में क्या खास है? आपको अच्छा गेमिंग करना है, अच्छा प्रोसेसर चाहिए, नो डाउट आपको रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स है। क्योंकि अगर आप प्रोसेसर देखेंगे दोनों में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ 732G है और यहाँ 720G है। जैसा कि आप देख सकते हैं 720G का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 732G का प्रोसेसर है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस है। और जब आप MI में देखते हैं, MI का प्रोसेसर इसमें जीत जाता है मतलब कंपैरिजन करने में। इसके अलावा मुझे बता दो भैया कि इसमें और ऐसा क्या खास है कि बंदा इसको ना लेके इसको लेगा?
रियलमी में लोगों काफी ट्रस्ट बिल्ड हुआ है ना आने वाले टाइम में, ट्रस्ट बिल्ड हुआ है। रियलमी भी बहुत अच्छा ब्रांड है। हाँ, यहाँ भी आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। आप दोनों कैमरा सेटअप देख सकते हो कि इस पे कैसा कैमरा सेटअप आया है और इस पे कैसा आया कैमरा सेटअप। तो ये है रियलमी नोट 10 प्रो मैक्स और ये है रियलमी 8 प्रो। तो इनका ये है, अब ये कैमरा सेटअप में क्या डिफरेंस है दोनों का बताओगे? कैमरा सेटअप देखते हैं तो यहाँ स्क्वायर शेप में कैमरा है। हाँ जी, ठीक है, आप जैसा देख पा रहे हैं वीडियो में भी, तो स्क्वायर शेप में कैमरा है और यहाँ रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल शेप क्या है, थोड़ा प्रीमियम लुक्स देता है आपके फोन जी जी। और आप फिनिशिंग देखेंगे तो यहाँ आपको मैट फिनिशिंग देखने को मिलती है। फिनिशिंग में तो दोनों ही मतलब अच्छे हैं अपने अपने लेवल पे। और बाकी इन्होंने यहाँ लिख रखा है डेयर टू लीव, डेयर टू लीव, डेयर टू लीव, ये टैगलाइन है रियलमी का। अच्छा, तो मुझे बताओ कि 102 है 108 है इसका? 108 मेगापिक्सल, 108 है। बाकी जो उसके तीन कैमरा और आए साथ में वो क्या क्या है उसमें? सर प्राइमरी कैमरा जो होता है वो 108 मेगापिक्सल का होता है। हाँ, सेकेंडरी कैमरा जो हमारा होता है अल्ट्रा वाइड एंगल वो 13 मेगापिक्सल का होता है। अच्छा, डेप्थ सेंसर की बात करें तो 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर होता है। ओके, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस होता है। ठीक है, सेम आपको क्वालिटी यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि प्रोसेसर में तो यहाँ पे रेडमी जीत रहा है, लेकिन इसमें जो खासियत है वो मुझे बताओ कि मतलब इसमें कूलिंग प्रोसेसर है, रिफ्रेश रेट क्या है इसकी, एंड टच का जो अगर आप रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। 60 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज नहीं, ना कि 90 हर्ट्ज ना कि 120, पूरा मतलब हाफ ही हो गया एक तरीके से। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है। यहाँ रिफ्रेश रेट की बात करें, आज हमें रिफ्रेश रेट ज़्यादा चाहिए क्योंकि आप नए डिवाइस कोई भी देखें रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा आता है। इससे आपको जो स्मूथनेस देखने को मिलती है ना डिस्प्ले में वो मिलती है। आप जैसा कि लाइव कंपैरिजन कर सकते हैं, ये देखिए जी, ये जो स्मूथनेस देखने को मिलता है ना, क्विक रिस्पांस मिल रहा है टच पे, टच रिस्पांस भी क्विक मिलता है आपको। वो जो स्मूथनेस देखने को मिलता है लैग फ्री स्मूथनेस है। तो ये आपने बताया ये तो 22,000 का आ रहा है, और ये कितने का आ रहा है रियलमी? सेम प्राइस में है 8 प्रो भी, इसमें भी तीन वेरिएंट है। अच्छा, 664, 6128 जैसा इसमें है, और 8128, ये 8128 है। इसमें 16.13 सेंटीमीटर की एमोलेड फुल स्क्रीन सुपर डिस्प्ले मिल रही है आपको देखने को, 4500 mAh पावर बैटरी मिल रही है, और इसमें पावर बैटरी ज़्यादा है MI में 5020 mAh का है। देखो आप कंपेरिजन करके देखोगे, सॉरी हाँ, तो आप देखोगे कि इसमें 5020 mAh बैटरी है यहाँ देख पा रहे हैं, और यहाँ 4500 mAh बैटरी है। तो बैटरी के अकॉर्डिंग भी ये ज़्यादा बेटर है, प्रोसेसर के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा बेटर है। एक बार रिफ्रेश रेट MI के फोन में हीट की बड़ी प्रॉब्लम आती है क्या? कस्टमर बोलता है हीट ज़्यादा लेता है। ऐसा नहीं होता है, कूलिंग प्रोसेसर थोड़ा सा वीक है इसका, ऐसा नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा मैंने मुझे बता ही दिया, बाकी एक बार कैमरे का सैंपल टेस्ट कर लेते हैं कि कैमरा कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो एक बार हम इस सामने एक हेलमेट के पास रख देते हैं फोन, और उसकी हम फोटो क्लिक करके देखते हैं कि यार कैसी फोटो आती है। तो सर ने ले रहे हैं MI से, और मैं ले रहा हूँ अपने रियलमी 8 प्रो से। तो ये हम नॉर्मल कैमरे से ले रहे हैं, इसको एक बार देखते हैं, डिटेलिंग आपको देखने को मिल रही होगी। ये नॉर्मल कैमरा है, हमने इसमें 108 का मॉडल नहीं किया है। आपने 108 किया है ना अभी इसमें? अभी हम भी इसको 108 में लेके देखते हैं रियलमी में भी। तो ये 108 का आप देख रहे हो ऑप्शन, 108 में एक बार कैप्चर करते हैं फोकस करके। तो ये है 108 की क्वालिटी, देख पा रहे हो सामने आप। इसके अलावा इसमें वीडियो मोड भी क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, एक बार वीडियो मोड दिखाओगे मुझे? बाकी आप इसमें देख सकते हो कि वाइड एंगल कैमरा कितना एंगल देता है आपको, और इसमें दिखा देते हैं वाइड एंगल कैमरा दोनों का आप देख सकते हो। बाकी नाइट मोड है इसमें, इसमें थोड़ा सा मोड देखने को मिल जाते हैं आपको, और इसमें आपको दिखा देता हूँ मैं कौन कौन से मोड हैं। फोटो पोर्ट्रेट 108, और ये मोड में जाते हैं तो इसमें आपको डुअल व्यू वीडियो, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, AI मिक्स पोर्ट्रेट मूवी एक्सपर्ट, और पैनोरामा टेक्स्ट स्कैनर, और अल्ट्रा मैक्रो में मिल जाते हैं। तो आप अल्ट्रा मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं, अगर आपको किसी अल्ट्रा ऑब्जेक्ट का मैक्रो शॉट लेना है तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे कि मेरे को यहाँ पे बॉक्स का लेना है तो मैंने यहाँ बॉक्स का क्लिक कर लिया है। इसके अलावा मुझे बता दो भैया इसमें क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं? अगर आप यहाँ वीडियो कैमरा के फीचर बात करें तो देखो यहाँ आपको देखने को मिलता है क्लोन वीडियो। ओके, क्लोन वीडियो एंड क्लोन फोटोज, ये आप देख पा रहे हैं। जैसे कि आप ऐसे वीडियो बना सकते हैं,
आप अपनी फोटो कैप्चर कर सकते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल में दिखाया जा रहा है, ये देखिए सिंगल गर्ल विद थ्री शॉट इन अ वन फ्रेम, क्या बात है। तो एक बार हम एग्जांपल दिखाएं इसका, एक बार गौरव से कहता हूँ सामने रखते हैं एक बार कैमरे के सामने, हाँ आपको जो होना है ना, देखो मेरी बात सुनो, आपको जो करना है ना मूव करना है अपनी जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे एक फोटो आपने एक इस साइड होकर वाली वीडियो 15 सेकंड की, अच्छा सेम है। और इसमें मुझे एक मोड रिपोर्ट चला कि नया आया है, व्लॉग वाला मोड आया है, जो भी व्लॉगर्स ट्राई कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा मोड है, देख सकते हो आप, ये व्लॉग बना सकते हो आप, वीडियो व्लॉग बना सकते हो अपना अपना। दिखाओ कैसे क्या काम करता है, एग्री करते हैं एक बार, नेटवर्क ये नेटवर्क चाहिए क्योंकि ये लाइव जाएगा ब्लॉग। हाँ हाँ हाँ, बाकी टाइम लैप्स है, ड्यूअल वीडियो, सबसे अच्छा मोड मिलेगा आपको ये लॉन्ग एक्सपोजर, लॉन्ग एक्सपोजर में आप देख सकते हैं कितने सारे मोड है, मूविंग क्राउड, नियॉन ट्रेल, ऑयल पेंटिंग, लाइट पेंटिंग, स्टेरिस का है एंड स्टार्टिंग्स, ये मोड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। एक आगे से लेना शॉट, तो दूर से, तो आपको हमने सारे मोड दिखा दिए इसमें, और एक बार हम इसकी फोटो भी क्लिक करके दिखाते हैं आपको। तो ये आसपास का इसने ब्लर कर दिया है लॉन्ग एक्सपोजर में, और कुछ इसने मतलब आर्टिस्टिक टाइप बना दिए फोटो, मूविंग ग्राउंड, मूविंग ग्राउंड, मूविंग ग्राउंड। तो आपको कैसा लगा ये फ़ोन बताना कमेंट करके, भैया के लिए एक लाइक कर देना, उन्होंने तो अच्छी डिटेल्स आपको सारी बात बताई। इसके अलावा मुझे इन्होंने बताया कि रियलमी में 720 का है, इसमें 730 का है, इसमें रिफ्रेश रेट ज़्यादा है, इसमें रिफ्रेश रेट कम है, लेकिन प्राइस में ऑलमोस्ट दोनों लगभग आसपास ही एक दूसरे के। रियलमी 8 प्रो तो 50 वॉट का फास्ट चार्जर आपको सपोर्ट करेगा इसमें, और इसमें रेडमी प्रो मैक्स में कितना 33 वॉट का सपोर्ट करेगा। तो और भी मैं बताऊँ फिंगरप्रिंट सेंसर क्या क्या सिचुएशन है दोनों का, रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स में देखते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट मिलेगा साइड माउंटेड, साइड माउंटेड, तो आप यहाँ से अपने थंब लगा सकते हो, और काफी बटन में ही मिलेगा आपको फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड भी। क्या मुझे बताओगे लगा के कैसा क्विक रिस्पॉन्स आता है? बिल्कुल सर लगा के। बाकी इसमें इनबिल्ट फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, आप जो ले रहे हो रियलमी 8 प्रो, इसमें आपको इनबिल्ट फिंगरप्रिंट आएगा स्क्रीन के अंदर, वो भी मैं कर लेते हैं सेटअप फटाफट से, और देखते हैं किसकी क्विक फास्ट रिस्पॉन्स आता है कि कौन जल्दी आपको लॉक करने को देगा इन फिंगरप्रिंट, आपको ऐड करने को मिल जाएगा, तो आपका इंप्रेशन ले रहा है। तो अभी हम देख लेते हैं किसका जल्दी फास्ट रिस्पॉन्स करता है, एक बार मैं जब बोलूं जब करना, दोनों का ही मतलब क्विकली फास्ट है, क्विक रिस्पॉन्स है काफी, और यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, अब एक बार भैया करके दिखाएंगे आपको, भैया लगाना फिंगरप्रिंट आपका, ये भी स्टार्ट हो गया, दोनों साथ में ही है लगभग, मतलब इतना कोई आप टाइम काउंट नहीं कर पाओगे कि कौन सा फास्ट है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे ज़्यादा सही रहता है मिली सेकेंड्स में आप यूज़ करते हो। रेडमी से थोड़ा सा मुझे बेटर लगा, बाकी ये इनबिल्ट फिंगरप्रिंट का भी थोड़ा सही है, लेकिन थोड़ा सा धीरे रिस्पॉन्स कर रहा है, टच करोगे आप थोड़ा सा वो रिकॉग्नाइज करेगा। हाँ तो यहाँ पर हम रेडमी नोट 10 प्रो का दिखा रहे हैं फास्ट चार्जर, ये कितने बताया आपने 33 वॉट, और इसमें थोड़ा ज़्यादा वॉट का चार्जर आता है 50 वॉट का, तो जल्दी चार्ज कर देगा। बाकी भैया ऑलमोस्ट इसमें टाइप सी केबल लगेंगी सभी में, बिल्कुल सही आ रहे हैं, और सभी 5G इनेबल्ड फोन है ना? नो दोनों ही 4G है, दोनों ही 4G है, 5G इनेबल्ड अभी तक नहीं है, थोड़ा सा लॉस है यार, 5G देखने को नहीं मिलेगा आपको, बॉक्स में उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस इतना ही आता है आपको, एयरफोन्स वगैरह किसी भी देखने को नहीं मिलती है, दोनों में से सेम यही रहता है। तो वो डिपेंड आप पे करता है कि आप रियलमी खरीदना चाहते हैं या रेडमी, पर दोनों अपने लेवल पे बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं जैसा कि भैया ने बताया। और अगर आपको परचेज करना है तो आप श्री एस एन कम्युनिकेशन शॉप से परचेज कर सकते हैं, आपका गुड नेम एक बार वापस बता दीजिए सर, आपको मिलेंगे यहाँ पे, आप मुझसे कभी भी आके संपर्क कर सकते हैं यार। ओके ग्रेट, अच्छा लगा भैया। Same here, sir. Okay, thank you very much. I made the time here. You're welcome.